आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी तेज़ी डिमांड भी चल रही है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ आपको। और अगर आप लोग कुछ समय से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा मैंने कैसा ही वीडियो बना के इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, जो नई नई आ रहे हो, नई नई कंपनी को लेकर बनाता हूँ मैं। तो इस वीडियो के अंदर एक नई कंपनी लेके आया हूँ जिसका स्कूटर आपको 170 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। वो काफ़ी अच्छा स्कूटर है, काफ़ी अच्छे फीचर प्रोवाइड करता है। और इसकी प्राइस 17,000 से स्टार्ट हो जाती है और 1 लाख तक जाती है, मतलब आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मगर इसकी रेंज 170 तक मिलेगी आपको, जैसे कंपनी क्लेम करती है। और कंपनी ये भी कह रही है कि उसने इसके अंदर बेस्ट इन क्लास फीचर डाले हैं, बेस्ट इन क्लास फीचर 70,000 में स्टार्टिंग है। तो अगर आप लोग लेना है तो भैया ले सकते हो, और अगर आप लोग लेने की प्लानिंग कर लेते हैं तो भैया आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अच्छा स्कूटर है। जो स्कूटर की बात कर रहा हूँ मैं वो है ओडिसी का हॉक। ओडिसी कंपनी ये कहती है कि वो अपने हॉक के अंदर काफ़ी एडवांस फीचर प्रोवाइड कराती है। और रेंज तो भैया मैं आपको बता चुका हूँ, 170 किलोमीटर तक की मिलेगी आपको। तो अगर आप लोग भी देख लेते हैं तो भैया देख लेना वीडियो एंड तक, और वीडियो स्टार्ट करने पहले जो आपको लाल बटन ना दबा दो, तोड़ दो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, बट आपके नेता वाले अधिकार हो जाएंगे कि वोट तो मांग लेते हो, मगर फिर जब सवाल किए जाते हैं कहते हैं ये तो चीज़ है ही नहीं। इसीलिए जैसे अभी महंगाई का मुद्दा चल रहा है तो संसद में बोल दिया बीजेपी वालों ने कि महंगाई है ही नहीं, इसीलिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर मैं ओडिसी हॉक के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ओडिसी हॉक के अंदर 2.9 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिल जाती है आपको, और इस बैटरी पैक के साथ आपको 1800 वाट की पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। और इसके अंदर जो बैटरी पैक लगी है उससे चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि अगर इसको आप लोग नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो, मतलब घर के सॉकेट से चार्ज करते हो, तो ये फुल चार्ज हो जाएगी 4 घंटे के अंदर। और इसकी रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है कि ये स्कूटर वो फुल चार्ज होने के बाद आपको 170 किलोमीटर की रेंज बड़ी प्यार से देगा। और ये जो रेंज है आपके चलाने पर डिपेंड करता है, और ये राइडिंग मोड पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके फ्रंट व्हील पे आपको डिस्क मिल जाते हैं और रियर साइड में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ ओडिसी हॉक की, तो इसके अंदर कंपनी ने कई सारे एडवांस फीचर डाले हैं, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म, म्यूजिक सिस्टम, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल लैम्प और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ ओडिसी हॉक की, तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 74,000 से और मैक्सिमम जाती है 1,15,000 तक। और ओडिसी हॉक का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम तक की है, और उसका जो कार्ब वेट है वो 128 किलोग्राम का है। ओडिसी हॉक का जो व्हील बेस है वो 1380 मिलीमीटर पे है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 मिलीमीटर पे है, और इसकी जो सीट हाइट है वो 830 मिलीमीटर पे है। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ ओडिसी हॉक की, तो इसके फ्रंट व्हील पे आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं और रियर साइड में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी कोई अच्छा स्कूटर देख रहे थे 170 किलोमीटर तक की रेंज का, और आपको सस्ता भी चाहिए था और अच्छा भी चाहिए था, मतलब TVS, ओला, बजाज या एथर की तरफ नहीं जाना था, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो कि ओडिसी का ही काफ़ी अच्छा स्कूटर है। 170 किलोमीटर की रेंज देता है आपको, जो एक कंपनी क्लेम करती है ऑन पेपर। ऑन रोड ये थोड़ी आपको कम मिलेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज होती है ना जो कंपनी क्लेम करती है वो थोड़ी कम मिलती है ऑन रोड, क्योंकि ये रोड कंडीशन जो अच्छी है, इतनी अच्छी रोड हमारी, इसकी वजह से भी कम मिलती है। और जो ट्रैफिक है उस वजह से भी थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि आपको पता ही है कितना ट्रैफिक सब जगह, इसीलिए। बाकी अगर आप लोग इसको लेते हो या कंसिडर करते हो तो भैया मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पे, मेरे को बड़ी खुशी होगी। बाकी अगर आप लोग को बाइस कार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्टली वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, चाहते फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी तय, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।